नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोते वक्त लगने वाले झटकों के बारे में। क्या है इसके पीछे के कारण? क्या आपके साथ भी अक्सर आए दिन ऐसी घटना घटती है कि बस आप 11 मिनट सोने जाने वाले हैं और अचानक से आपको एक झटका महसूस होता है और आपकी नींद खुल जाती है और आप सोते समय उछल पड़ते हैं, या आपको लगता है कि अचानक से आप कहीं नीचे की ओर गिर रहे हैं? मेडिकल साइंस में इस स्थिति को हाइपनिक झरक कहा जाता है। यह कोई रोग नहीं है और ना ही कोई नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। यह अचानक मांसपेशियों के या शरीर झटके लगते हैं जो नींद आने के कुछ घंटों में आ सकते हैं। इसे मायोक्लोनिक झरक के रूप में जाना जाता है। दुनिया में लगभग 70% लोगों को इसका अनुभव किया है। इसका मतलब होता है कि इंसान ना तो पूरी तरह से उठा होता है और ना ही गहरी नींद में सो रहा होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसा होता क्यों है। तनावग्रस्त होने की वजह से या सोने से पहले शराब या कैफीन का सेवन करने से भी सोने के समय झटके आ जाते हैं, हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। शाम के समय ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना या कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन की कमी के कारण भी हो सकता है। जब हम सोने की स्थिति में होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग अर्धचेतन स्थिति में होता है, ऐसा माना जाता है कि ऐसे में दिमाग का आधा हिस्सा एक्टिव रहता है। इसके अलावा जब हम अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं या अनकम्फर्टेबल पोजिशन में सोते हैं, तब भी ऐसा झटके महसूस होते हैं। नर्व को उत्तेजित करने वाली दवाओं का ओवरडोज हो जाने पर या बिना डॉक्टर के सलाह के केमिस्ट के दुकान से ली गई दवाओं से, यानी जिन दवाओं की सामग्री के बारे में आपको जानकारी ना हो, उसके अधिक इस्तेमाल से भी हाइपनिक झरक होने का खतरा रहता है। सोते समय मांसपेशियों के अंठन होने के कारण हमारे शरीर में झटके महसूस होते हैं। मांसपेशियों के अंठन होने की वजह से हमारे शरीर में साउंड और लाइट होते हैं, जिसकी वजह से हमें झटके आते हैं। सोने के दौरान झटके इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमारा दिमाग सोने और जगने के बीच में जद्दोजहद करता रहता है। यह सक्रिय से आराम की अवस्था तक पहुंचने का संक्रमण काल होता है, जिसकी वजह से कई बार झटके महसूस होते हैं। तो ये जानते हैं इन झटकों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद लें और सुबह लगभग एक ही समय पर उठने की कोशिश करें। सोने से पहले रिलैक्सेशन टेक्सन्स या गर्म पानी से नहाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। सोने से पहले सोडा, कॉफ़ी या अन्य कैफीन वाली चीज़ों से बचें। तनावपूर्ण कामों को दिन के समय ही खत्म करने की कोशिश करें। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम का सेवन करें। मीठे और नमकीन पदार्थ कम खाएं। इनके फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाएं। दूध, दही और केले खाएं। इससे इसमें कैल्शियम मिलेगा। मैग्नीशियम के अलावा अंकुरित अनाज और हरी सब्जी खाएं। और अगर सोने से पहले एक्सरसाइज करते हैं तो उसका टाइम बदल लो। सोने से 6 घंटे पहले एक्सरसाइज करने से बचें। अगर आप इन सब बातों का पालन करते हैं तो सोते समय आपको झटके महसूस नहीं होंगे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।